तुम्हारे लिए रोने का वक्त नहीं, भले ही मृत्यु के दायरे में सभी लोग आते हैं, मृत्यु से कोई बचा नहीं है आज तक, सब मृत्यु के दायरे में आए। कुछ लोग पहले आ गए और कुछ लोग आगे आएंगे, लेकिन एक तो सच्चाई यह है कि मौत के दायरे में सभी लोग आएंगे। आज यहाँ जितने भी लोग हैं सोच रहे हैं हम जिंदा है तो एक दिन हम यहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन मौत का पल हमारे लिए कैसा पल है? बाइबल कहती है मृत्यु हमारे लिए समाप्ति नहीं है, मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, बल्कि संगीत में जब हम गाने गाते हैं गाने के एक अंतरे के बाद दूसरा अंतरा आता है और वो बहुत ही सुंदर होता है। वैसे ही हम धरती पर जितने भी मसीही लोग हैं, हम जब मरते हैं तो हम ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि एक ही पल में एक अंतरा से दूसरे अंतरा में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए कब्र जो है आखिरी पड़ाव नहीं है, कब्र आखिरी पड़ाव नहीं है। बाइबल के वचनों के अनुसार हम मसीही यहाँ मर के सड़ नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ से रूपांतरित हो जाएंगे। इसलिए पौलुस ने बड़ा सही कहा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन 51 में पौलुस ने कहा, मैं एक रहस्य बताता हूँ, हम में से कोई भी नहीं मरेंगे, पल भर में तुरही बजते ही और पलक झपकते ही हम एक ही पल में रूपांतरित हो जाएंगे। इस दुनिया के लिए हम गायब हो जाएंगे, लेकिन दूसरी दुनिया में हम जन्म लेंगे। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 18 में लिखा है, हम दिखने वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ना दिखने वाली चीज़ों पर ध्यान देते हैं। दिखने वाली दुनिया अल्पकालीन है, कुछ समय के लिए दिखाई देगी, लेकिन ना दिखने वाली दुनिया हमेशा के लिए है। हम यहाँ से जब मर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मर जाना, जब हम मर जाते हैं हम यहाँ से उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जो हमारे लिए दिखाई नहीं देता। पौलुस कहता है वो दुनिया हमेशा के लिए है। याद रखें, ना दिखने वाली एक दुनिया है, वो दुनिया विशाल है, वो दुनिया बहुत चौड़ी और बड़ी है, और उस दुनिया में हम चले जाएंगे। इसलिए मौत हमारे लिए भले ही कुछ सालों हम साथ रहे, माँ की मृत्यु हमारे लिए दुखदाई है, भाई की मृत्यु हमारे लिए दुखदाई है, लेकिन फिर भी बाइबल में आज का पाठ था, प्रदीप ने बड़े अच्छे से पढ़ के सुनाया, तसल्लीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 13 से 18 तक, वहाँ लिखा है बाकी लोगों की तरह हम नहीं रोएंगे, क्योंकि अगर यीशु मरे मरने के बाद जी उठे हैं तो हम भी उनके साथ जी उठेंगे, और जो मर चुके हैं वो वापस आएंगे, और उस दिन जब जिंदा रहेंगे हम भी उठकर उनके साथ बादलों में हम उठा लिए जाएंगे। इसलिए याद रखें, मौत हमारे लिए आखिरी पड़ाव नहीं, मौत हमारे लिए वो असलियत है जहाँ से हम अपनी असलियत में प्रवेश करते हैं। इसलिए यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 11 वचन 25 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरेगा तो भी जी उठेगा। इसलिए आज के दिन मैं और लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बाइबल ये बताती है जब किसी के मौत के अवसर पर अथवा मौत के वर्षगांठ पे जब हम इकट्ठे होते हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे वो माँ हमें एक बात बताती है, वो माँ हमें ये बताती है जब तक धरती पे जिंदा हो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, ताकि मरने के बाद जब तू यहाँ से चला जाएगा बाकी लोग तेरी याद करें। और आज इसलिए हम उस माँ की याद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जो भाई है वो भाई की जिम्मेदारी निभाए, जो हस्बैंड है वो हस्बैंड की जिम्मेदारी निभाए, जो पिता है वो पिता की और जो माँ है वो माँ की जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि इसके बाद असली जिंदगी आते हैं, ये नकली जिंदगी हमारी। इसलिए बाइबल में लिखा है मेरी माँ और मेरे भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 19 में लिखा है, हम इस धरती पर परदेशी है, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर ये हमारा परदेश वास चल रहा है, असली यहाँ नहीं है। इसलिए फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वचन 20 में लिखा है, स्वदेश हमारा तो स्वर्ग है,
और वो स्वदेश जाने से पहले इस देश में जाना है तो मौत के रास्ते से निकलना पड़ता है। इसलिए अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8:9 में लिखा, हम तो कल के हैं, कुछ नहीं जानते, जीवन छाया की तरह बीत जाता है। और आप आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आज आपको एक चीज बड़ी हकीकत वादा करके, कि कुछ होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सारे के सारे यहाँ से मर के एक दिन जाएंगे। धरती पर जितने भी आए हैं सब जा चुके हैं और बाकी के जाएंगे भी। हम में से कोई भी हमेशा यहाँ के लिए नहीं रहते। राजा महाराजा रहे हैं, गायब हो चुके हैं, बादशाह लोग लगे हैं, लगे चले गए हैं, हुकूमतें रही है यहाँ पर बड़े बादशाहों की, वो भी खत्म हो गई है। तो एक ना एक दिन हम सब के सब जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम परदेशी है, स्वदेश हमारा स्वर्ग है, हम तो कल के हम कुछ, आज का राजा कल मर जाएगा, जीवित रहते ही तुम्हारे हाथ तड़ियों में कीड़े हैं। इसलिए राख और मिट्टी का पुतला तू घमंड क्यों करता है? एक ही दिन की जिंदगी है, बीते दिन कभी वापस नहीं आएंगे, कल की तो कोई उम्मीद नहीं है, बचा हुआ एक दिन है। इस एक दिन में हम लड़ लड़ के ना जिए, कट कट के ना जिए, बल्कि हम प्रेम से जिए, क्योंकि किसी के मरने के बाद इकट्ठा होना, साथ में प्रार्थना करना, अपनापन जताना बहुत बड़ी बात है।